किचन में तो खूब तड़का लगाया इन्होंने, अब हरपाल सिंह सोखी तैयार है डांस के मंच पर तड़का लगाने के लिए. हाउ एक्साइटिंग इज डांसिंग? इट्स वेरी एक्साइटिंग एक्चुअली. जब तक प्रोफेशनली डांस करने नहीं आ रहा था मैं यहाँ पे ऐसे एक मंच पे, तब तक ये लग रहा था कि पंजाबी है तो ठीक है नाच लेते हैं, बट जब मौका मिला है और प्रोफेशनली नाचने का विद करेक्टिव स्टेप्स एंड एवरीथिंग, तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मज़ा आ रहा है मुझे, आई एम एंजॉयिंग इट. ओके, जो कोरियोग्राफर है आपकी, कितना मज़ा आता है उनके साथ, यू नो कैसे सिखाती हैं आपको ये? ऑनेस्टली मैं बताऊं कि इस बार झलक जो है काफ़ी यंग कंटेस्टेंट्स के साथ है, और उनमें से अगर मैं अपनी उम्र देखूं तो मेरे ख्याल से द नेक्स्ट कंटेस्टेंट इज़ जस्ट अबाउट 20 ईयर्स यंगर टू मी. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे कोरियोग्राफर को जो फेस करनी पड़ रही है, वो सबसे पहले मुझे अपनी जो फिटनेस है वो इम्प्रूव करनी, फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव करनी, स्टैमिना इम्प्रूव करना. तो वो कम से कम सेशंस में 2 घंटे तो हम इसी पे काम करते हैं, और उसके बाद स्टेप्स पे काम करते हैं और सीख रहे हैं, कर रहे हैं, ट्राइंग टू वर्क मैच हर स्टेप्स. जजेस है करण, गणेश और जैकलीन, किसको इम्प्रेस कर पाना ज़्यादा मुश्किल है? मेरे ख्याल से तीनों को ही मुश्किल होगा, बट करण जी का देखने का नज़रिया अलग होता है, वो एंटरटेनमेंट के हिसाब से देखते हैं, जैकलीन फन के हिसाब से देखती हैं, गणेश जी जो है टेक्निकल एस्पेक्ट के हिसाब से देखते हैं. बट मेरे लिए जो डांस है वो मस्ती है, मैं एंजॉय करता हूँ और जो भी करता हूँ दिल से करता हूँ, दिमाग नहीं ज़्यादा लगाता उस पर कि मेरे स्टेप्स सही हुए या नहीं है, बट ये देखता हूँ कि लोगों को मज़ा आ रहा है कि नहीं मेरे डांस से. आप बिल्कुल ही नॉन डांसर है सर, तो साथ में सलमान और शांतनु वगैरह जो बहुत मंजे हुए कलाकार है डांसिंग के फील्ड में, कितना फेयर लगता है आपको ये? आई थिंक जब आप किसी कंपटीशन के मंच में जाते हैं तो एक इंडिविजुअल के नाते से मैं ये कहूँगा कि मुझे अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखना है, ना कि मैं ये देखूँ कि मेरे को कंटेस्टेंट्स मंजे हुए खिलाड़ी या नहीं. मुझे जो लोग देखेंगे वो इस रूप से देखेंगे कि मैं नॉन डांसर हूँ और कैसे अपनी डांसिंग स्किल्स इम्प्रूव कर रहा हूँ, मेरी जर्नी कैसे ग्रो हो रही है, तो लोग मुझे उस हिसाब से देखेंगे. जो डांसर्स हैं जाहिर सी बात है उनको उनके डांसिंग स्किल्स के हिसाब से देखेंगे और वो क्या बेहतर कर रहे हो उनके हिसाब से देखा जाएगा. अब मैं सलमान या शांतनु को कह दूँ कि बिरयानी बनाओ मेरे साथ तो वो शायद नहीं बना पाएंगे, तो वैसे ही मतलब इट्स अबाउट यू नो इवैल्यूएटिंग कि आपको किस रूप में देखा जा रहा है और आप कैसे इम्प्रूव कर रहे हैं. और मुझे नहीं लगता कि मैं पीछे रहूँगा, मैं इन सबको कंपटीशन तो टफ दूंगा. दर्शक आपको काफ़ी अलग अवतार में देखने वाले, सारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहिए? मैं बताऊं आपको कि इतने साल से जो पिछले 5-6 साल से सीरियस टेलीविजन में आया हूं और लोगों के दिलों में बसा हूं, घरों में बसा हूं, नमक शमक जो मेरा फेमस टैगलाइन है जो हर किचन में सुनाई देता है, डांस करने के बाद ये चीज़ ज़रूर पता चली कि अब आपको नमक शमक के साथ डांस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर अच्छा खाना खाना है तो हजम करना बड़ा ज़रूरी है, और डांसिंग एक ऐसा माध्यम है जो फिटनेस के लिए बहुत ही बेहतरीन है. तो आपको अगर अच्छा खाना है तो नाचना ज़रूर है. अब मैं नाच रहा हूँ तो आप भी नाचिएगा किचन में, अकेलेपन को दूर करिए, मज़े करिए. बिल्कुल, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट. कैमरामैन संजय के साथ अक्षय अगबानी, टेली बाइट्स, मुंबई.